नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वाजपेयी ने गुजरात दंगे को बताया था गलती। पूर्व राव प्रमुख दुलाट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 के गुजरात दंगे को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी और इसे गलती करार दिया था। एक साक्षात्कार में दुलाट ने वाजपेयी के साथ अपनी आखिरी बैठक का जिक्र किया। उनके मुताबिक उस बैठक में वाजपेयी ने गुजरात दंगों के संदर्भ में कहा कि वो हमसे गलती हुई है। दुलाट साल 2000 तक रॉ के प्रमुख रहे और बाद में वाजपेयी के समय प्रधानमंत्री कार्यालय में कश्मीर मुद्दे पर विशेष सलाहकार थे। सड़क हादसे में हेमा मालिनी घायल, ड्राइवर गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार दो कारों के बीच में हुई भिड़ंत में प्रख्यात अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी जख्मी हो गई। हादसे में दूसरी कार में सवार एक बच्ची की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने हेमा मालिनी के कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मर्सिडीज कार और ऑल्टो कार जब्त कर ली गई। इधर फोर्टिस अस्पताल सूत्रों के अनुसार सड़क हादसे में घायल सांसद हेमा मालिनी आईसीयू में भर्ती है। उनके सिर, कमर और नाक पर चोट लगी है। आतंकी हमले का खतरा, मानव रहित विमानों पर रोक। आतंकवादी हमले में ड्रोन के इस्तेमाल के आशंकाओं के बीच दिल्ली पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि लोगों द्वारा किसी भी तरह की मानव रहित विमान प्रणाली का संचालन प्रतिबंधित है। इस फैसले को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, आम जनता को सूचित किया जाता है कि नागरिक उड्डयन के महानिदेशक के आदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा मानव रहित विमान प्रणालियों का संचालन प्रतिबंधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।